बोल देना। चलो अस्सलाम वालेकुम, आप लोग कैसे हो? अभी मैं यहाँ आटा गूंद रही हूँ और मैं सोची चलो मैं वीडियो चालू कर देती हूँ आप लोग के लिए। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू के पराठे, ठीक है? तो मैं यहाँ आटा गूंद लेती हूँ, फिर आप लोग को बताती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ, और उम्मीद करती आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए अभी मैं फटाफट बना लेती हूँ, और यहाँ बच्चे लोग बैठे हैं मस्ती कर रहे हैं। तो चलिए फिर मैं बना आटा गूंद के आप लोग से मिलती हूँ। हमारा आटा तैयार हो गया है, और पहले इसमें हम कपड़ा डाल देते हैं क्योंकि वरना आटा चला जाएगा उसमें। और ये मैंने आलू है, ये देखिए, ठीक है, ये मैंने बॉईल करके रखी हूँ क्योंकि ज़्यादा ही बॉईल हो गया है, और मुझे इसमें क्या क्या डालना वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। और ये मैंने कोथमीर ले ली हूँ, इसमें मैं आप लोगों को पहले बताती हूँ, इसमें मैं जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला, और जैसे कि मिर्ची और धनिया, बस इतनी चीज़ों का मैं इस्तेमाल करती हूँ। आमचूर पाउडर भी डालती हूँ, तो बस वही है जो कुछ है मैं मटीरियल वही डाल के बनाऊँगी, और माशाल्लाह बहुत अच्छा होता, आप भी ज़रूर ट्राई करिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं इसे अच्छी तरह से पहले मैनेज कर लेती हूँ, मैश कर लेती हूँ, और मैं कोई चम्मच वगैरह का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मैं हाथ से ही करती हूँ क्योंकि मुझे हाथ से ही अच्छे से होता है। अभी मैं इसको मिला लेती हूँ, फिर उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ। और यहाँ मेरा आटा भी तैयार है, यहाँ मैंने तवा गर्म करने रखती हूँ, और ये मेरा तेल है। तो चलिए अभी फटाफट बनाना तैयार करती हूँ। तो हमें जिस साइज़ में बनाना है वही साइज़ में हमें लोई लेना है, तो मैं मीडियम साइज़ में बनाऊँगी, इसके लिए मैंने वही साइज में ले ली हूँ, ठीक है, यानी कि ना ज़्यादा बड़ा बनाना है मुझे ना छोटा बनाना है, तो बस इसी तरह से मैं ले ली हूँ। रखो, चलिए अभी हमने बेल लिए हैं, अब इसमें हम जितना हमें आलू भरना है हम ले लेंगे इस चीज़, ठीक है। और ये एक बात आप लोगों को बता दूँ कि कभी भी मैं आलू के पराठे बनाती हूँ ना, तो इससे ना हमेशा टूट जाता है बनने में, लेकिन मैं अपनी कोशिश करना कभी नहीं छोड़ती हूँ, कोशिश करना हमारा काम है, सही से बने या ना बने वो अलग बात है, ठीक है, हमें कोशिश करते रहना चाहिए, इंशाल्लाह आज नहीं कल नहीं कभी ना कभी तो अच्छी तरह से बनेगा। तो बस इसी तरह से मैं कोशिश करती रहती हूँ, मदद बन जाती है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अब इसे हम अच्छी तरह से बेल लेंगे, तो चलिए मैं बेल लेती हूँ। तो ये बता दूँ पहले, बता दूँ दूर से लीजिए, कैसा लगे कि हमारे पराठे तैयार हो गए? जैसे कि मैं आप लोगों को बोली थी मुझे अच्छी तरह से करना नहीं आता है, तो भी मैंने बच्चों के लिए करी हूँ, कोशिश करने में क्या बुराई है, अच्छा बने नहीं बने खाने से मतलब है, मगर कोशिश करना ज़रूरी है, आज ऐसा कल और अच्छा परसों और अच्छा, इंशाल्लाह भी मुझे भी अच्छे से आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अभी हमारा बन गया है, और इसके साथ मैं दही, वैसे तो हम लोग दही खाते हैं लेकिन अभी हम लोग दही नहीं खाएंगे क्योंकि कुछ मौसम की चेंज होने की वजह से इसके लिए हम लोग वो दही का इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो यह है अचार, आम का अचार है, ये इस्तेमाल करेंगे, और मैं आप लोग को बता देती हूँ, यहाँ मैंने नारियल की चटनी यानी खोपरे की चटनी मैंने बना के रखी हूँ थोड़ी सी, तो बस अभी इसको मैं थोड़ा सा तड़का लगा लेती हूँ, तो बस इसी के साथ हम लोग खाएंगे। तो आज का हम लोग का ये है रेसिपी, आप लोग को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक करना, फॉलो करना, कमेंट करना, और सबसे पहले आप सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है, क्योंकि आप लोग ही मुझे आगे तक ले जा सकते हैं, इसके लिए आपसे कह रही हूँ प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो चलिए मैं तड़का लगा रही हूँ, तो मैं आप लोग को बता देती हूँ।
तो यहाँ मुझे ज़्यादा नहीं लूँगी, मुझे थोड़ा सा ही तड़का लगाना है। तो मैं यहाँ पे कटोरी रख लेती हूँ और इसमें थोड़ा सा थोड़े से ही तेल डालना है हमें। तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया, मैं थोड़ा स्लो कर देती हूँ और इसमें थोड़ा सा मैं पहले राई डाल देती हूँ, ठीक है, और साथ ही साथ में इसमें थोड़ा सा जीरा, वैसे तो ज़्यादा करके राई ही डाला जाता है। और ये मैंने थोड़ा सा कड़ी पत्ता ले ली, ये सूख गया है लेकिन कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। तो चलिए अभी ये हमारा तड़का तैयार हो गया है, तो मैं इसे बंद कर देती हूँ और मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। ये काफ़ी गर्म है तो मैं आप लोग को तड़का बता दूँ। अब बस इसे हमें अच्छी तरह से मिला लेना है और इसे मैं पतला नहीं करूँगी क्योंकि हमारे घर में ऐसी गाढ़ी खाना पसंद करते हैं चटनी। अगर आपको लगे तो आप पतली कर सकते हैं, ये माशाल्लाह बहुत अच्छी लगती है। और जैसे कि मैं आप लोगों को बोली हूँ कि इसे हम लोग आलू के पराठे में भी खा सकते हैं, खाने के लिए तो जैसे आप लोग को बता दी मैंने, अचार है, चटनी है, दही है, आप किसी में भी खा सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं। तो चलिए आज का मेरा ब्लॉग इतना ही था, आप लोगों को कैसा लगा जरूर मुझे बताना। तो चलिए अल्लाह हाफिज़, बाय।